वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश, यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम रीजनिंग के अंदर एनालॉजी पढ़ रहे थे और एनालॉजी के अंदर हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा हिंदी शब्द सादृश्यता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या सादृश्यता। टाइप नंबर सेकेंड आता है संख्या सादृश्यता, टाइप नंबर दो संख्या सादृश्यता। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नंबर एनालॉजी, ठीक है, इसको बोलते हैं नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में होता क्या क्या है सबसे पहले समझेंगे। देखो, नंबर एनालॉजी के अंदर कोई भी जोड़ से रिलेटेड कोई भी इसमें सादृश्यता बन सकती है। सबसे पहला क्या आ गया, जोड़। फिर क्या आ सकता है, कोई भी घटाव से रिलेटेड सादृश्यता बन सकती है। तीसरा नंबर आता है व्यवकलन, मतलब घटाव से रिलेटेड, एक मिनट घटाव लिख दिया ऊपर, गुणा से रिलेटेड, ठीक है, सादृश्यता बन सकती है। चौथा भाग से रिलेटेड सादृश्यता बन सकती है। और पांचवा है घन वे, घनमूल से रिलेटेड संख्या सादृश्यता बन सकती है। और छठा क्या है, वर्ग वे वर्गमूल, वर्ग वे वर्गमूल से संबंधित संख्या सादृश्यता बन सकती है। और सातवां होता है जोड़ या फिर प्लस गुणा, मतलब कि कोई भी इनमें से दो, इन दोनों में से दो या किसी भी में से भी दो करके संख्या सादृश्यता बन सकती है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। और आज हम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट संख्या सादृश्यता के कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, देखो इम्पोर्टेंट प्रश्न में आज हमारा जो टाइप सेकंड है संख्या सादृश्यता यानी नंबर एनालॉजी के अंदर आज हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है 3,14,1, फिर ब्रैकेट बंद के बाहर कॉमा, फिर 4,36,2। इसी प्रकार से क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3,14,1 ये कैसे मतलब दे रखा है, फिर उसके बाद 4,36,2 कैसे दे रखा है, उसके बाद इसके अंदर चार ऑप्शन दिए होंगे और आपको ऑप्शन से बताना है। तो देखो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की सॉल्व करने की। सबसे पहले आप 3 का क्यूब करके देखो, 3 का क्यूब क्या होता है बताओ, 3 का क्यूब कितना होगा, 27, और इसमें 1 जोड़ कर देखो, 1 का क्यूब कितना होगा, 1, 27 और 1 कितना हो रहा है, 28, और 28 का अगर हम भाग दें 2 का तो 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, आ रहा है ना 14, ठीक है 14 आ रहा है ना। तो इसके अंदर इसी प्रकार से इसको करो, 4 का जो क्यूब है ना वो कितना होता है, 64, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 64 और 8 कितने हो गए, 72, 72 में भाग दो किसका, 2 का, तो कितना आ रहा है, 36। इसी प्रकार से ऑप्शन हम इसमें चूज करेंगे कि पहला ऑप्शन क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है आपको 8,260,2, तो यही इसमें ऑप्शन में आना चाहिए 8,260,2। तो आप इसको सोल्व करके देख रहे हैं पहले ऑप्शन को, 8 का क्यूब 512 और 2 का क्यूब 8, 512 और 8 कितने हो गए, 520, 520 का अगर आप आधा करते हैं तो 260 आंसर आता है। तो इसका मतलब इसमें ए ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं यहाँ पर चार ऑप्शन आपको नहीं लिख रहा हूँ,
ताकि हमें स्पेस इतना नहीं भरना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ते हैं, 12, 16, 18। 12 को 16 दे रखा है, 18 को क्या दे रखा है, 24 को ये 64 लिख रखा है इसने। तो हम ये ऑप्शन से ही तय कर पाएंगे कि इसमें यहाँ पर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो बताओ इसके अंदर आपको आंसर बताना है कि इसके अंदर क्या आना चाहिए। ठीक है, बताओ इसके अंदर क्या आएगा आंसर में। देखो एक बार, यहाँ पर 12 में अगर हम 3 का भाग दें तो क्या रहे बताओ, 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। इसी प्रकार से 24 में हम 3 का भाग दें तो आता है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो यहाँ पर बताओ आप 18 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 6, और 6 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, 36। तो इसका सही एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए, 37:100, 24:100 क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, तो समझते हैं इसको भी। 37 को अगर हम 3 से गुणा करें तो 37 या 111, अगर इसमें से 11 घटाते हैं तो 100 बचेगा। ठीक है, और 29 कितना होता है बताओ, 87 में से 11 घटाओ कितना बचेगा, 100, 76। तो इसमें 24 को 3 से गुणा करो, 24 या 72, 72 में से 11 घटाओ, 2 में से 1 गया 1, और 7 में से 1 गया 6, तो 61 आएगा इसका आंसर, क्या जाएगा, 61 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 24:9:21, 34:16:33। इसी प्रकार से आपको इसके अंदर बताना है कि इसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, फिर से एक बार, 24:9:21, 34:16:33, बताओ इसके अंदर क्या आ सकता है। देखो इसको ध्यान से, 24 में अगर हम 2 का भाग दें तो कितना आता है, 12, और 12 में अगर 9 जोड़ें तो बताओ 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। ठीक है, 34 में अगर हम 2 का भाग दें तो आ जाएगा 17, 17 में अगर हम 16 जोड़ें तो 33 आ रहा है, कितना आ रहा है, 33। तो इसी प्रकार से इसके अंदर एक तीसरा ऑप्शन है, 42:9:30, 42:9:30, 42 का आधा कितना होता है बताओ, 21, 21 में 9 जोड़ेंगे 30, इसका मतलब इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए, 4:9:16:25:36:49, तो बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे, 2 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, और 16 4 का वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, 36 6 का वर्ग होता है, 49 7 का वर्ग होता है। इसी प्रकार से 8 का वर्ग कितना होगा बताओ, 64, 9 का वर्ग कितना होगा, 81, और 10 का वर्ग कितना होगा, 100। तो बताओ ये आपका राइट आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 17:69:25:8:44:784, बताओ क्या आना चाहिए इसके अंदर। देखो ध्यान से देखो, ये 17 दे रखा है और ये क्या है, किसका वर्गमूल है, 25 का। ठीक है, ये किसका है बताओ, किसका वर्गमूल है, 28 का। ठीक है, 28 का वर्ग है ना,
ये 25 का वर्ग है। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम 17 के वर्ग में अगर हम दो दुगुना जोड़ें, 17 दुनी 34 जोड़ें, मान लो 34 और 25 कितने होते हैं, 59 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और 8 का डबल कितना होता है 16, 16 और 28 44 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो हमें इसके अंदर देखना पड़ेगा कि इसका ऑप्शन क्या आ सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर कई है, 12, 69, 2025 है ना, ये ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन करके देखते हैं, 12, 69, 2025। 2025 किसका वर्गमूल होता है बताओ, 12 का डबल 24, 24 और 24 में अगर हम कितना जोड़ें बताओ, कितना जोड़ेंगे बताओ, 45 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 45 और 24 69 होते हैं कि नहीं होते, ये बताओ आप, होते हैं ना, ठीक है, ये भी नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवां, 8, 540, 60 9, 70, 7। आप देखो 8 में अगर एक जोड़ें, मान लो 9 होता है 9, 6, 54, 540, 9 में एक जोड़ें 10, 10 7 होता है 70, इसका मतलब बिल्कुल बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। तो आप इसमें और देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या आ सकता है, ऑप्शन देख रहे हैं इसके अंदर और क्या है। तो इसके अंदर है 8, 63, 7, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इस वाले में 8, 540, 60 अगर 8 में एक जोड़े तो 9, 9, 6, 54, 540 आ रहा है, 9 में एक जोड़े 10, 10, 70 आ रहा है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम इसके ऑप्शन में जोड़ें, 8 में एक जोड़े 9, 9, 7, 63, तो 8, 63, 7, 8, 63 और 7 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें बताओ आप क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बताओ जल्दी से क्या आना चाहिए। 16, 96 क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और उसमें दूसरा दे रखा है 161, समानुपात दे रखा है 18:120। आप देखो 16 के पहाड़े में क्या आता है, 96 आता है कि नहीं आता बताओ, बताओ आता है कि नहीं आता। 16 को 6 से अगर गुणा करें तो 16, 6, 96 आ रहा है, क्या रहा है, क्योंकि 6 कैसे आया है बताओ, 6 अगर 18 में हम 3 का भाग दें तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और 16 × 18 करो और क्या करें, इसमें 3 का भाग दो, 16 × 18 और इसमें भाग देंगे 3 का, 3×18, 16×96 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से इसके अंदर क्या करेंगे, 18 को 20 से गुणा करके देखो आप कितना आ रहा है, 36, 360 आ रहा है, पर इसमें 3 का भाग देंगे तो 120 आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम ध्यान देंगे 161 से पहले क्या दे रखा है, आपको ऑप्शन दिया होगा, तो इसमें क्या है, ऑप्शन क्या है इसमें, इसके अंदर ऑप्शन है यहाँ पर अगर हम लिखें तो 21 है इसमें ऑप्शन में, 21, तो 21 गुणा में अगर हम 22 करें तो 3 का भाग दें तो 3×7 = 21 और 22×7 होता है 161, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 22 ऑप्शन में आ जाना चाहिए, ठीक है। बात समझ गए, समझे बताओ, इसे बताओ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो यहाँ तो पता लग रहा है 8, 6, 48 आ रहा है, लेकिन और आगे नहीं पता चल रहा कि क्या आ रहा है इसके अंदर बताओ, नहीं पता चल रहा ना, देखो 8 का स्क्वायर करो कितना आ रहा है, 64, और 8 का आधा करो कितना आ रहा है, 8 का आधा कितना है, या 8 का डबल करके देखो, 8 × 2 = 16, 8 का स्क्वायर 64 और 8 का डबल 16, 14 × 6 = 8 और 5 में से 1 = 4, तो ये सही है बिल्कुल। इसमें देखो
15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 15 दूनी 30, घटा के देखो 5 का 5, 22 में 3 के 19, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, इधर ऑप्शन रख के देखेंगे। ऑप्शन में क्या है, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, सबसे पहला ऑप्शन इसमें 13 है। आप 13 के में क्या करेंगे कि 13 का स्क्वायर करके देखो, 169 में से आप 26 घटाओ, 169 में से जब आप 26 घटाओगे तो 143 बचेगा। ये भी आंसर बिल्कुल सही है, तो 13 आएगा इसमें। मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि ये ऑप्शन से आपके सवाल जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है, ऑप्शन से आपके सवाल जल्दी सॉल्व होंगे। इसे बताओ 1/97 अनुपात 1/63 और 1/14 अनुपात क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 1/89 अनुपात 1/55 क्या आना चाहिए बताओ। सबसे पहले आप इन दोनों का अंतर देखो कितना है, 7 में 3 गए 4, 9 में 6 गए 3, कितना अंतर है 34 का। इन दोनों में देखो 9 में से 5 गए 4, 8 में से 5 गए 3, 34 का। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें से भी आप 34 घटा लो ना, क्या दिक्कत है, तो क्या जाएगा बताओ यहाँ पर 1/80 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, क्योंकि 114 में से 34 घटाएंगे तो 1/80 आएगा। ठीक है, आपने 10 क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व कर लिए हैं, आगे जो 11वां क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि क्या आना चाहिए आंसर। 5.60.70, 9.8, 108.126, तो इसके अंदर क्या आना चाहिए। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। 5 का भाग देखो 70 में देंगे आएगा 14, 14 में से 2 गए कितने 12, और 12 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 60 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से 9 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9 और 3 9 चौक 36, 14 में से 2 गए 12, 12 को 9 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 108। इसी प्रकार से इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन दे रखा है ये हम देखते हैं। इसमें दे रखा है सबसे पहले 7.84.98 करके देखते हैं, 7.84.98 देखते हैं इसको अंदर क्या होगा। 7 का भाग देंगे 98 तो आएगा 14, 14 में से 2 गए 12, 12 को हम किससे गुणा करें 7 से गुणा करेंगे, इसको किससे गुणा किया 5 से, फिर इसको किससे 9 से, फिर इसको किससे 7 से, तो 12 से 84 आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, 1 को अगर हम 0 से गुणा करें 0, और भाग किसका देंगे 2 का तो 0, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 2, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। 1 को 6 से गुणा करेंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3, इसका मतलब 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़े, 5:14, 12 क्वेश्चन मार्क, तो 17:86 इसके अंदर क्या आना चाहिए। ठीक है, 5:14 दे रखा है इसके अंदर, तो बताओ इसके अंदर सही और एग्जैक्ट आंसर क्या आना चाहिए। देखो 5 को अगर हम 6 से गुणा करें तो 30, 30 में से अगर हम ये 14 माइनस करें तो आ जाएगा 16 माइनस करें तो आ जाएगा कितना, 5×30 में 16 गए 14, 12 को किससे गुणा करें, 17 को देखो किससे गुणा करें, 17×6 102, अगर इसमें से 16 माइनस करें तो आ रहा है कितना 86। उसके बाद अगर 12 को 6 से गुणा करें 72, 72 में से 16 गए कितने 12 में से 6 गए 6 और 6 में से 1 गए 5, 56, तो इसका मतलब ये 56 आ रहा है। ठीक है, 72 में से 10 गए तो
बासठ, बासठ में से 6 के 56, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 56। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। 786 अनुपात 7, 645 अनुपात 5 और 282 अनुपात क्वेश्चन मार्क क्या आना चाहिए? तो देखो, 7 × 8 × 6 या फिर ऐसे करें 7×8 = 56, तब भी नहीं बैठ रहा है। 7 × 8 = 15 × 6 = 21, 21 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 7, 6×8 = 10, 5×15 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 5, 2×8 = 10, 2×12 में अगर 3 का भाग देंगे तो आएगा 4। इसका मतलब इसका जोड़कर और सबका इसमें 3 का भाग देना, 3 संख्या है इसलिए। इसका बताओ क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आना चाहिए? 9 = 109, समानुपात 7 = 71, समानुपात 13 क्वेश्चन मार्क। तो बताना है आपको कि इसके अंदर क्या आ सकता है, 9 = 109 में क्या आना चाहिए। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। नौ में 3 × 12, 12 × 108 + 1 = 109, 7 × 7 में 3 × 10, 10 × 7 = 70 और 1 = 71, तो 13 × 13 में 3 × 16 = 16 + 1 = 16 = 48 का 8 = 4, 16 × 16 = 4 = 20, 208 होने में 1 जोड़ेंगे कितना, तो 209 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर क्या आना चाहिए? 7 / 58, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 370, 12 / 153, बताओ इसके अंदर क्या आ सकता है? तो देखते हैं, करते हैं इसका सॉल्यूशन। 7² = 49, 49 में अगर हमने 49 में अगर हमने 9 जोड़ा तो कितना आएगा, 58। 7² = 9, 49 में 9 जोड़ा 58, 12² = 144, अगर 9 जोड़ा, 144 में 9 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 153, 44 में 9 जोड़ेंगे तो 153 आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए, 7 का और यहाँ पर क्या है, 12 है, तो 370 में से 9 घटाओ माइनस के तो आ जाएगा 361, और 361 का किसका वर्ग होता है, 19 का, तो 19 का वर्ग 361 में 9 जोड़ेंगे तो 370, इसका मतलब यहाँ पर 19 आंसर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, 12³ होता है कितना, 1728, और माइनस कितने का अंतर है, 14 में से 8 गए 6, 15 में से 5 में 2 गए 3, तो 36 जोड़ना पड़ेगा तो आ जाएगा, इसका मतलब 12 का आधा होता है 6, 6² = 36, तो ये किसका है, 12³ में 6² जोड़ना है। ऐसे ही 8³ में 4² जोड़ेंगे तो 8³ 512 और 16 528 हो रहे हैं, इसका मतलब 16³ और प्लस में 8² = 48, 16³ कितना होता है, 4096 प्लस में 8² = 64, ये कितना जाएगा, 6 × 10 = 15, 16 × 6 = 4041, 160, इसका जाएगा 4160 आंसर। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 18वां, 3 का स्क्वायर इसमें, सॉरी 3 / 19, समानुपात 2 / 7 और 5 % तो बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए? तो करते हैं हम इसका भी सॉल्यूशन। देखो इसमें यहाँ पर 3³ कितना होगा, माइनस 3 में से 1 गए, 3 के स्क्वायर में से 1 घटा दो, 3³ = 27 और 3² = 9, 9 में से 1 = 8, 27 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 19 बच रहे हैं, तो 2³ = 8 - 2³, 2² - 1,
आठ में से तीन गए तो कितने बचेंगे, दो का स्क्वायर कितना, चार, चार में से गए तीन, तीन तो दो का स्क्वायर, चार में से गए तीन, तो इसका मतलब क्या है, दो का घात तीन आठ, आठ, आठ में से क्या करना है, दो का स्क्वायर तीन, एक बार क्वेश्चन देख रहे हैं, दो का क्यूब तीन अनुपात 19 है और दो अनुपात 7 है और पाँच अनुपात क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो तीन का क्यूब एक मिनट, इसमें एक मिनट एक मिनट, तीन, तीन का क्यूब 27 और माइनस करना है, तीन में से एक गए दो का क्यूब आठ, 27 में से दो का क्यूब आठ गए तो 19 बचेंगे, उसके बाद दो का क्यूब कितना है आठ, उसके बाद दो माइनस एक का क्यूब करना है, एक का क्यूब एक तो आठ में से एक गए तो सात, ऐसे ही पाँच का क्यूब कितना होता है 125 माइनस पाँच माइनस एक का क्यूब, चार का क्यूब 64, तो 125 में से 64 जाएंगे तो कितना बचेंगे, एक, 12 में से 6 गए 6, तो 61 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका देखो 6 का क्यूब कितना होता है 216 और प्लस में 7 223, इसमें 7 का क्यूब 343 प्लस में 7 350, इसमें 5 का क्यूब सॉरी 8 का क्यूब प्लस में 7 हो जाएगा 519, 5, 6, 7, 8 तो 9 का क्यूब में कितना जुड़ेंगे 7, 9 का क्यूब होता है 729 में 7 आ जाएगा 7, 16 का 6 736, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7, 8 का 9 का 9 नौ 81 9 में 729 प्लस में 7 736 इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। इसका देखो 14 का स्क्वायर होता है 196 और इसमें अगर हम 15 का स्क्वायर और जोड़ दें तो कितना होता है 421। ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको दे रखा है 16 का स्क्वायर, एक मिनट, 15 का स्क्वायर 225 और 16 का होता है, 16 का स्क्वायर 196 431, तो इसमें आपको दे रखा है 15:4:21, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। एनालॉजी यानी सादृश्यता के अंदर आज हम टाइप हमने सेकंड पढ़ा है, ठीक है, टाइप सेकंड है संख्या सादृश्यता, इसके अंदर आज हमने 20 क्वेश्चन बहुत डीपली पढ़े हैं, ठीक है, आज तक इसके अंदर इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।